आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 7 मार्च के। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 7 अप्रैल की ईश्वर वरदान की। एंड परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हर जो कर्म है और जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक बोझ जो अगर हमारे ऊपर अगर पड़ता है कि कैसे करें, कहाँ से करें, कौन करेगा, कहाँ से करेगा, कब होगा, तो ये सारी चीज परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो ताकि तुम हल्के रहो और तुम सदा खुश रहो और मेरी याद में रहो। तो हम छोड़ते तो हैं बीच में, लेकिन फिर से हम ले लेते हैं अपने हाथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अहंकार, गुस्सा और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तरीके से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कमी फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं या डर फील करते हैं। और ये सारी चीज़ अगर हमारी है अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारा बाहर का व्यवहार जो होता है वो कंट्रोल वाला होता है, मतलब कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहेंगे, किसी बात को कंट्रोल करना चाहेंगे, किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहेंगे। तो आज परमात्मा इसी चीज के बारे में बताता है कि हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन, कि ये सारी चीजों का मैं ट्रस्टी हूं, बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट मतलब हल्का, आत्मा कैसी हल्की होनी चाहिए। तो हिम्मत रखने वाले बच्चों का बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। वो श्रेष्ठ संकल्प क्या होना चाहिए हमारा? पवित्रता का, खुशी का, शांति का और औरों का भला करने का। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कि परमात्मा ये जो कार्य है जो सही होना चाहिए वो आपके अनुसार हो, ये अब आप जानो कैसे करना है। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ कि ये मेरा कार्य है, मुझे देखना है, मैं ही ठीक करूंगा, मेरे से ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? अगर तुम श्रेष्ठ संकल्प होगे, ऊंचे संकल्प होगे और पवित्र संकल्प होगे तो ऑटोमेटिकली तुम हल्के हो जाओगे और फिर मैं सब कुछ जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। ट्रस्टी मतलब कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इन चीजों को संभाल रहा हूं। ये तन भी मेरा नहीं है, ये मन बुद्धि संस्कार में जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। धरती परमात्मा की है, जमीन परमात्मा की है, धन संपत्ति परमात्मा की है। मैं सिर्फ इसका ट्रस्टी हूं कि इसमें कुछ नुकसान ना हो, कुछ बिगड़ ना जाए, तो जाकर के हमें कोई क्रोध नहीं आएगा, हमें अभिमान नहीं आएगा, हमें घृणा नफरत नहीं आएगी। डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे, हल्के रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। अगर दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। लेकिन दिल साफ रखने का तरीका क्या है? लोभ है तो दिल साफ नहीं है। अगर किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, किसी की कमी कमजोरियों के आपके अंदर चित्त में भी अगर आपने इसको रखा हुआ है तो भी दिल साफ नहीं है। हमें औरों की कमी कमजोरियों को अपने अंदर नहीं रखना, हमें हर किसी को माफ करते हुए चलना, हर किसी की भूल को नजरअंदाज करते हुए चलना है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हमें अपने आप को सेफ भी रखना है। वो भी विवेक में आ जाता है कि अपने आप को सेफ कैसे रखना, परखना कि कोई आपकी जो काइंडनेस है, जो मासूमियत है, उसे कोई फायदा ना उठाए। तो जहां ना है वहां पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं और ब्रह्मा कुमारी इसमें यही चीजों को हम ट्विक करते हैं। ट्विक मतलब करना है, इसको ट्यूनिंग करना। जैसे आप अपने रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं वो राइट फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए, हम भी अपनी फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज करते हैं ताकि हम राइट फ्रीक्वेंसी से हम कोई कार्य करें, हल्के होकर कार्य करें, सबको इसमें संतुष्ट हो। ये चीजें परमात्मा में सिखाते हैं, आप भी आकर के सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। ओम शांति इसके साथ।